जानवरों के लिए पानीपत युवा एकता संस्था ने घोषित की 4 सदस्यीय टीम। शनिवार को युवा एकता पानीपत हरियाणा संस्था की कार्यकारिणी मीटिंग अध्यक्ष संदीप सिंह राणा के घर पर संपन्न हुई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य शहर के अंदर गलियों और रोड पर घूम रही बेसहारा गौ माता और अन्य जानवरों के लिए राहत के कार्य करना है। इस मीटिंग में बेसहारा और बेजुबान जानवरों की रक्षा के लिए युवा एकता पानीपत हरियाणा संस्था की कोर कमेटी ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। इस टीम के अंदर कोषाध्यक्ष जतिन चौका, महासचिव रविंद्र राणा, प्रांत संयोजक दीपक शर्मा, प्रचार और प्रसार मंत्री राजेश राज व दीपक राणा को शामिल किया गया। अध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने कहा कि बेजुबान जानवरों की रक्षा करना हर आदमी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि इंसान बोलकर बता सकता है उसको क्या चाहिए, परंतु बेजुबान जानवर ऐसा नहीं कर सकते। जितने भी हमारे बेसहारा पशु हैं या पक्षी, उन सबकी सहायता के लिए एक कोर कमेटी का निर्माण करना चाहते हैं। तो हमारी जो मुख्य कोर कमेटी है, उन्होंने 4 लोगों की जो है ये टीम गठित की है, जिसके अंदर सबसे पहला नाम अगर मैं लेना चाहूँगा, महासचिव युवा एकता पानीपत रविंद्र राणा जी का, कोषाध्यक्ष जतिन जोगा जी का, प्रांत संयोजक दीपक शर्मा जी का, और राजेश राज और दीपक राणा जी का जो है एक, हमने इन सभी को जो है इस सदस्यों की टीम में रखा है कि ये हमेशा और हमेशा इस फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे।